इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आपका हमारा इस एपिसोड जिसका नाम है वास्तु टिप्स एंड टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा एपिसोड है वो स्पेशली क्या है, वास्तु की टिप्स के लिए बनाया हुआ है। आप में से कई व्यूअर्स हमें व्हाट्सअप कमेंट करते हैं, ईमेल में कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं कि हमें वास्तु संबंधित कोई टिप्स के बारे में बताइए, या फिर उनकी खुद की ऐसी चॉइस होती है। आज आप में से किसी व्यूअर्स ने हमें वास्तु में ऐसा पूछा था कि हमें अगर वास्तु में फोटो फ्रेम्स लगानी हो फैमिली की, या हमारे पेरेंट्स की, या हमारे पितरों की, तो हम किस दिशा में लगाएं। इसी कंटेंट पर हम आज बात करेंगे। अब आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पति पत्नी यानी हस्बैंड वाइफ की कपल्स फोटो कहाँ लगाए। अगर वास्तु के हिसाब से हस्बैंड वाइफ की कपल फोटो कोई नेगेटिव क्षेत्र के हो, यानी वास्तु दोष वाले क्षेत्र में हो, तो उससे क्या होता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है और उन दोनों के बीच में एक नेगेटिविटी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि एक दूसरे को समझ नहीं सकते, छोटी छोटी बात में उनके बीच में तनाव बना रहता है। आज ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक मेडिटेशन, कि अगर उनका फोटो प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर होगा तो उन दोनों के बीच बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री रहेगी। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत दिल से चाहेंगे, सब उनकी अंडरस्टैंडिंग एकजुट रह के रहेगी और लाइफ के अंदर वो बहुत ही अच्छा रोमांचक जीवन जी सकेंगे। तो अब हमारा ये हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप नोट और पेन ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन करना, और आपको अगर आपको भी कोई ऐसी वास्तु टिप्स जाननी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, या जो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस मोबाइल पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या हमें ईमेल भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बहुत ही रोमांचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनेगा। आप इसको अंत तक देखने के लिए आप कृपया थोड़ा समय देना। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी यानी जो कपल्स है उनकी फोटो कहाँ लगानी है। अब ये आप शक्ति चक्र देख रहे हैं, ये 360 डिग्री पे नॉर्थ है। मैं मेरे हर वीडियो के अंदर ये शक्ति चक्र का बहुत ही जिक्र करता हूँ, तो ये शक्ति चक्र का जिक्र करने का एक ही रीज़न है कि आपको प्रॉपरली पता चले कि वास्तु में क्या और कैसे और किस दिशा में इसको करना है। अगर आप अब देखेंगे तो ये देख लीजिए कि ये शक्ति चक्र है, उसको ये जो पूरा शक्ति चक्र है उसका नॉर्थ डायरेक्शन है जो 0 डिग्री पे है, फिर आगे जाके 180 डिग्री के अंदर साउथ बनता है एग्जैक्ट नॉर्थ के ऑपोजिट, और इधर 90 डिग्री पे ईस्ट बनेगा और 270 डिग्री पे वेस्ट बनेगा, यानी ये पूरा शक्ति चक्र। और बीच में जो 16 जोन है उसके भी अपने अपने फायदे हैं। अब पति पत्नी की कपल्स फोटो हम उनके बेडरूम में लगाना है, तो उनके बेडरूम में जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे न्यूली मैरिड कपल्स की फोटो आप लगा सकते हो। साउथ वेस्ट की वॉल यानी कॉर्नर के अंदर, साउथ वेस्ट की जो कॉर्नर आता है उसकी जो वेस्ट डायरेक्शन की पश्चिम क्षेत्र की जो दीवार है उस पे है न्यूली मैरिड कपल की फोटो लगेगी। साउथ वेस्ट कॉर्नर पर पश्चिम दिशा की दीवार, आप गलती से भी साउथ दीवार में उनकी फोटो फ्रेम मत लगाना, यह नैऋत्य कोण के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार। अगर आप वो फोटो फ्रेम के अंदर आप ऐसा कहोगे कौन से कलर की लगाए, तो उसके अंदर आप येलो कलर ले सकते हो, वाइट कलर ले सकते हो, रेड कलर ले सकते हो। ये तीन कलर जो वास्तु में उचित गिने गए हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर वेस्ट वॉल यानी दक्षिण पश्चिम कोने की पश्चिम दीवार में ही न्यूली मैरिड कपल यानी पति पत्नी की रोमांस करती हुई हनीमून की, या फिर कहीं घूमने गए हुए वहां की एक फोटो फ्रेम लगा दो, तो उनके जीवन के अंदर हमेशा प्यार भरा एक रिश्ता रहेगा, झगड़े नहीं रहेंगे और उनका जीवन एकदम रोमांचक रहेगा, प्यार से भरपूर रहेगा। अब हम उसी तरह बात करेंगे कि पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता की फोटो कहाँ लगानी है। अगर आपको माता पिता की फोटो लगानी है तो वो ड्राइंग रूम के अंदर ईस्ट वॉल यानी पूर्व दिशा क्षेत्र में लगानी है। ये ईस्ट वॉल हमारी हमारे पेरेंट्स की दिशा है, वहाँ से हमें पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो पेरेंट्स की हम फोटो लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि घर के अंदर माता पिता का आशीर्वाद सदा हमारे पे बना रहेगा। यहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे लाइफ के अंदर आएगी, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ के अंदर नहीं रहेगी। अब यहाँ पे जो आप फोटो फ्रेम लगाओगे तो उसकी कलर क्या चॉइस करोगे, अगर ईस्ट वॉल के अंदर आपको फोटो फ्रेम लगानी है तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, या रेड कलर ले सकते हैं, या ब्लू कलर ले सकते हैं, या आइवरी कलर ले सकते हैं। ये चार ही कलर
उचित गिने गए हैं वास्तु के अंदर। इससे विपरीत कलर की फोटो फ्रेम ईस्ट वॉल पे नहीं लगा सकते। अगर इधर लकड़े की फोटो फ्रेम है तो चलेगा, इसी एक जोन के अंदर आप लकड़े की फोटो फ्रेम लगा सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके माता पिता जो अभी जिंदा है उनकी फोटो लाइव, जो भी जी रहे हैं आपके साथ, आपके फैमिली में रह रहे या और कहीं रह रहे, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप पूर्व दिशा के अंदर अपने माता पिता यानी पेरेंट्स की फोटो लगा सकते हो। इसी तरह अब हम आगे बात करेंगे। अब हमारे जो पितृगण है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने क्या और कई फोटो हम लगाते हैं नहीं लगाते चलता है, वो लगाना जरूरी नहीं है। जैसे न्यूडी कपल की आप नई फोटो लगाएंगे तो चलेगा, पेरेंट्स की फोटो नहीं लगाएंगे तो चलेगा, पर वास्तु के अंदर हम जब भी कंसल्टेंसी वास्तु के लिए जाते हैं तो हमसे वहाँ हमें पूछा जाता है कि हम हमारे जो पितृ है उनकी फोटो कहाँ लगाएं। तो ये आप खास नोट डाउन करना, अगर आपके पितृ है जो अभी इस दुनिया में हयात नहीं है, या आपके दादा दादी या आपके माता पिता या उनके भी माता पिता जो भी कोई है जो हमें पितृगण कहते हैं, इनके आशीर्वाद हमारी लाइफ में मिलना चाहिए। अगर उनकी फोटो वास्तु के ऐसे जोन में लग जाएगी तो वहाँ से हमें वास्तु दोष प्राप्त होगा यानी पितृदोष प्राप्त होगा, उनकी उनकी तरफ से हमने पॉजिटिव हमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसलिए पितृ की फोटो जब भी आपको अगर हमारे आपके ड्राइंग रूम में लगानी है तो उसके लिए दो है, एक साउथ वॉल, साउथ इज बेस्ट, साउथ को फर्स्ट चॉइस देना, दक्षिण क्षेत्र के अंदर साउथ वॉल के अंदर आप अपने पितृ की फोटो लगा सकते हैं। उसी तरह आप एक उत्तर दिशा भी चॉइस कर सकते हो, पर मैं तो कहूँगा साउथ वॉल पे ही लगाना, क्योंकि बहुत कुछ इस वॉल ये पितृगण की दिशा है, वहाँ पे साउथ वॉल पे अगर आप पितरों की फोटो लगाओगे तो आपको पितरों के हमेशा आशीर्वाद मिलेंगे, आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं और बहुत ही रोमांचक बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली के अंदर सास बहू का झगड़ा चल रहा है। ऐसा क्या होता है, कई घरों में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वास्तु दोष होता है, कुंडली के दोष होते हैं, तो उससे सास बहू के अंदर अनबन बनी रहती है और छोटी छोटी बातों में नोकझोंक रहती है। अगर ऐसी स्थिति आपके घर के अंदर है तो आप सास बहू की दोनों की साथ हंसती हुई एक तस्वीर खिंचवाइए और उसको अपने ड्रॉइंग रूम के नैऋत्य कोण में लगा दीजिए। आप मेरी बात समझ गए होंगे, जिस घर के अंदर सास बहू का आपसी नोकझोंक है और झगड़े रहते हैं, उस घर की ये मैं बहुत ही एक ऐसी टिप्स दे रहा हूँ जो आप यूज़ करना आपके रिलेटिव के अंदर या आपके खुद के घर के अंदर या आपके फ्रेंड्स के घर के अंदर। ड्रॉइंग रूम के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर की पश्चिम दीवार में सास बहू की हंसती हुई एक फोटो फ्रेम लगा देना, पीले फ्रेमिंग में, पीले कलर की फ्रेम में। इससे क्या होगा, जो नैऋत्य कोण है वो पति पत्नी के और वो जो नैऋत्य कोण है वो एक प्यार भरा कोण है, दाम्पत्य जीवन का कोण है, वहाँ मधुरता है, वहाँ संबंधों की मधुरता है। वहाँ पे अगर फोटो लगेगी सास बहू की तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग में जो मतभेद है, मनभेद है, वो आप आप दूर होगा और दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे और प्यार मोहब्बत से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी और भी रोमांचक आपको टिप्स मिलेगी। आप भी हमारे इस टिप्स एंड टॉक्स, वास्तु टिप्स एंड टॉक्स के में आप अभी अपने फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और कोई भी टिप्स आप हमसे जान सकते हो। फ्रेंड्स, आप हमारे अब इस हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये चैनल बहुत यूज़फुल लग रही है शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना, क्योंकि तो ही हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी। और अब जाते जाते हम आपको कहेंगे, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, यानी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आप हमारे वीडियो अब तक पहुंच सकेंगे। टेक केयर, वंदे मातरम।